सो सैम, जैसे हम हमारी बॉडी में बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ट पंप करता है, ठीक है, हमारी लंग्स एयर को ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, राइट, ऐसे ही हमारी कुछ बॉडी पार्ट्स की तरह सेल अगर एक बॉडी की तरह है तो सेल की भी कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स हैं। और ये बॉडी पार्ट्स क्या है देख सकते हैं, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये उसके ऑर्गन्स की तरह है। उसके अगर एक सेल एक बॉडी है तो उसके जो ऑर्गन्स है वो उसके ऑर्गेनील्स है। वो क्या है? ऑर्गेनील्स। जस्ट लाइक आवर बॉडी हैज डिफरेंट ऑर्गन्स, सेल हैज डिफरेंट ऑर्गेनील्स। ये वाली बात क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल की, तो सेल में दो तरह की सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, व्हिच डू नॉट हैव द न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, तो हम आज बात करेंगे डिफरेंट सेल के अंदर जो प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी। तो टॉपिक अपनी कॉपी में लिखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, लिखे। हाँ जी बोले। ऐसा नहीं है कि वो ब्रेन होता है। तो पता है कॉकरोच कैन लिव फॉर डेज विदाउट इट्स ब्रेन। कॉकरोच को अगर तुम ब्रेन हटा दो तो वो फिर भी जिंदा है। कुछ दिन तक तो रहता है, 6-7 दिन तक। उसके हेड को अगर हम निकाल दें तो हेड, अच्छा एक्चुअली उसका ब्रेन नेक में होता है, इसलिए उसका हेड के बिना वो रहता है, ब्रेन के बिना नहीं, ये होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे पास जेलीफिश है, उनके अब ब्रेन ही नहीं है, पर वो दे आर स्टिल अलाइव, ब्रेनलेस होती है, ठीक है। तो ब्रेन जरूरी नहीं है जिंदा रहने, ठीक है। अच्छा एनीवे, और वो ब्रेन नहीं होता न्यूक्लियस सेल का, ठीक है। न्यू टॉपिक पे गए, खुश लीजिए, सेल ऑर्गेनेल्स कॉपी में चल रहे हैं। हां, करता है तो उसके ऊपर सारे काम नहीं करता, वो मेनली प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। मतलब प्रोटीन बनाने के लिए मटेरियल कौन देता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस अब वो क्या कंट्रोल करता है कि कौन कौन से प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन, है ना, राइबोसोम। तो इस तरीके से न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, नॉट लाइक कि वो ब्रेन है और हर चीज वो कि सेल क्या करेगा वो क्या करेगा, वैसा कंट्रोल नहीं होता न्यूक्लियस के पास। दैट मीन सेल का वो ब्रेन, बहुत सारी सेल्स हैं जिनके ब्रेन इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है। न्यूक्लियस इज नॉट द ब्रेन ऑफ द सेल, ये वाली बात सबके दिमाग में क्लियर है। न्यूक्लियस जस्ट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज इन द सेंस कि उसके पास मटेरियल होता है जिससे पता चलेगा कि कौन सा प्रोटीन कैसा बनना है सेल में। साइटोप्लाज्म में पढ़ा था ना, पूरा टॉपिक किया है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज। और हमारे पास कौन कौन से सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके नाम लिखेंगे लिस्ट में, जल्दी से लिखेंगे। ये है हमारे पास, बोलेंगे नहीं, ई जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड। गॉल्जी एपरेटस बोलते हैं गॉल्जी बॉडी को, ठीक है। तो ये लिखे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी एपरेटस, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के नाम लिखेंगे। फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड गॉल्जी एपरेटस, थर्ड लाइसोसोम, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया एंड फिफ्थ प्लास्टिड्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। पर प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाए जाते क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो शुरुआत करते हैं। हाँ बोलिए। तुमने पहले लिखे हुए इनके नाम लिखो दोबारा, तुम्हें आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरू करते हैं, फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अभी सुनूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर मैं डिफाइन करना, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके अंदर लिखेंगे इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, लिखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक डालें, और इसके अंदर लिखेंगे इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। इस बात का क्या मतलब?
एंड शीट्स, ट्यूब्स एंड शीट्स. It is a large network of membrane bound tubes and sheets. अभी रुको सुनो, नोट कर लिया सबने? तो हम क्या कह रहे हैं, सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये न्यूक्लियस के पास आ जाता है एक तो, और इसके अंदर ये कुछ ट्यूब्स ही होती है. क्या होती है? ट्यूब्स और शीट्स. कुछ ट्यूब्स और कुछ शीट्स से मिलके बना होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. न्यूक्लियस के जस्ट बाहर पाया जाता है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर और सेल के अंदर. ये पूरा सेल है, मान लो ये बोर्ड पूरा सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के जस्ट बाहर कुछ ट्यूब्स एंड शीट्स होते हैं. और ये जो ट्यूब्स एंड शीट्स है इनके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग है. क्या है? मेम्ब्रेन. तो अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन पूछूंगा तो तुम बोलोगे ये मेम्ब्रेन से कवर्ड ट्यूब्स एंड शीट्स है. ये मेम्ब्रेन से कवर्ड क्या है? ट्यूब्स एंड शीट्स. तो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज दी मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. ठीक है, ये बात क्लियर है? एंड इट इज लार्ज. ये भी लिखा है लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स या लार्ज ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स. ऐसे लिखा है? लार्ज नेटवर्क. नेटवर्क क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक जगह पे नहीं होता, ये फैला हुआ होता है जैसे हमारा सोशल नेटवर्क्स होते हैं. ठीक है, एक हर एक जगह पे ये फैला हुआ. तो पॉइंट इज दिस. हाँ, बना रफ है, ऐसे कुछ नहीं बनाना, अभी बनाने की जरूरत नहीं है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स. मेम्ब्रेन बाउंड छूट गया. फिर से कीवर्ड्स देखते हैं. पहली है लार्ज नेटवर्क, दूसरा कीवर्ड है मेम्ब्रेन बाउंड, थर्ड है ट्यूब्स एंड शीट्स. तो तीनों को बोलेंगे इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. क्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसके फंक्शन पे आते हैं. ठीक है, और फिर मैं तुम्हारे आंसर दूंगा स्वयं, पहले से नोट करें. अच्छा, इसके अंदर इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और ओब्लॉन्ग बैग्स. कभी कभी ये ट्यूब्यूल्स की तरह लगता है राउंड राउंड, और कभी कभी ये बैग्स की तरह भी लगता है. और बैग्स को वेसिकल बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब ये इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑफ टू टाइप्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ एंड रफ. इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट पे आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले लिखेंगे. ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर दिमाग में बोलते हैं रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, फर्स्ट पे आते हैं. अब इसके अंदर सब हेडिंग बनाएंगे, जैसे वो बना रहे ना ऐसे बना रहे नोट्स, उसमें एंडोप्लाज्मिक आ रही है उसके अलग वो चीज है हेडिंग, जैसे इसे बना रहे हैं. अच्छा, अब लिख रहे हैं हम क्या सेकंड पॉइंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर वन. तो फर्स्ट इज इट लुक्स रफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट. It looks rough because of the presence of ribosomes on it. It looks like. Sir, presence की वो spelling बताना. It P H Y S I C. क्या? इसकी? Presence की. It looks like. It looks rough due to presence. P R E. S-E-N-C-E, presence of P-R-E-S-E-N-C-E, presence of ribosomes on it. तो ribosomes on it, on. अच्छा, why is rough endoplasmic reticulum rough? Due to presence of ribosomes on it. क्योंकि उसके ऊपर ribosome है इसलिए वो rough दिखता है. अगर उसके ribosome ना होते तो वो क्या दिखता? Smooth. ठीक है, इसको क्या बोला हमने? रफ क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. और अगर रफ राइबोसोम नहीं होते तो क्या दिखता? स्मूथ. क्या दिखता? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट. अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, राइबोसोम्स
द मैन्युफैक्चर अच्छा इट इज द नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रफ एंडोप्लाज्म में इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग इट इज साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर एंड प्रोटीन्स आर सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस यूजिंग ईआर and proteins are sent at different places using the endoplasmic reticulum and proteins are sent our next point we will ask to different places using the ER to dekho ER ka ek kab hai ha endoplasmic reticulum theek hai ER ka matlab kya hai endoplasmic reticulum ईआर इमरजेंसी रूम नहीं चलो ज्यादा दिमाग नहीं लगा करेंगे अरे हम सेल के अंदर है ना तो अच्छा सुनो मेरी बात सुनो 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 हाँ सुनो जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन का अपना नेटवर्क होता है वो हर जगह फैला होता है ना? तो आया ऑर्डर आता है जहाज पे जो जाना था वहां पहुंच जाता है ऐसे ही एक लार्ज नेटवर्क किसका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किसका अब जैसे अमेज़न ने अपने टीवी अमेज़न ने अपनी चीजें बनाना शुरू कर दिया है ना तो उसी तरीके एंडोप्लाज्मिक अपनी चीजें भी बनाता है और वो सप्लाई भी करता है तो अब वो अपनी चीज क्या बनाता है डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू ईयर वो अपनी चीजें बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और प्रोटीन रब वाला बनाता है प्रोटीन और स्मूथ वाला बनाता है और इन चीजों को जगह डिलीवर कैसे करता है कि जिस घर पे प्रोटीन जाना है उस तक ईआर ही करता है क्योंकि इसका नेटवर्क लार्ज है इसका नेटवर्क क्या है स्ट्रांग है जैसे स्विगी का नेटवर्क है या अमेज़न का नेटवर्क है वो घर घर तक पहुंचा देता है नीड की चीज तो इसी तरीके से ईआर भी वहां वहां तक अपनी चीजों को पहुंचा देता है क्लियर है ये पॉइंट यस सर अब पर अमेज़न और होम मत लिखना आंसर में लास्ट कर नेक्स्ट The SCR helps in manufacture. अब SCR क्या है? Second point. SCR helps in manufacture of fat molecules or lipids. SCR helps in manufacture of fat molecules or lipids. Smooth endoplasmic reticulum. SCR. Smooth endoplasmic next heading बना ली है? Yes. उसके अंदर है helps in manufacture of fat molecules or lipids. एक ही बात होता है. Fat molecule or lipid. घी तेल जो तुम डालते हो खाने में वही सब चीजें हाँ सेल में भी बनती है पर वो कहाँ बनती है एससीआर में एससीआर एससीआर हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स एंड मॉलिक्यूल्स फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स नेक्स्ट शांत हो जाओ स्वयं थोड़ा रिलैक्स यहाँ पे खत्म हो गया रफ खत्म हो गया स्मूथ खत्म हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एमईएम B-R-A-N-E, membrane biogenesis. Question लिखो. What is membrane biogenesis? ठीक है. तो होता ही है जो cell की membrane है क्या है? Cell membrane. Cell membrane. तो जो cell की membrane है, cell के outermost covering को सही हम बोलते हैं हम cell membrane. ठीक है? देखो, cell की outermost covering को बोलते हैं cell membrane. ठीक है हमने क्या बोला था अभी तक सेम ये बोला है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स ये बोला था तो और इसके अंदर हमने बोला था कि ये जो ट्यूब्स एंड शीट्स हैं ये दो तरह की हैं कैसी हैं एक जिसके ऊपर एक जिसकी अपीयरेंस रफ है क्यों जिसके ऊपर क्या है ठीक है तो ये जिसके येलो येलो पार्ट है ये सारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिसपे राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ है क्या स्मूथ ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
SCR, यहाँ तक क्लियर है सेम? सेल के अंदर दो है राइट, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह का है। अच्छा आरईआर बनाता है, हमने बोला प्रोटीन, क्या बनाता है? प्रोटीन। और हमने बोला जो फैट के मॉलिक्यूल है वो बनाता है लिपिड, या फैट्स और लिपिड्स बनाता है SCR। अब बात ये है जो सेल की मेम्ब्रेन है उसको बनाने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है, किसकी? फैट्स की भी कभी और प्रोटीन्स की भी, दोनों की जरूरत पड़ती है किसको बनाने के लिए? सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए? फैट प्रोटीन, फैट और प्रोटीन दोनों को बना के हम मेम्ब्रेन पे इकट्ठा करते जाते हैं और इससे हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है। बड़े से ग्रुप वर्क करते हैं। अच्छा तो यहाँ पर हमारी बनती है मेम्ब्रेन। तो अगर मैं बोलूं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में कौन हेल्प करता है, SCR, RER या दोनों? दोनों, क्योंकि SCR उसके वो देता है लिपिड और RER उसे देता है प्रोटीन, और दोनों हमारी मेम्ब्रेन बनाने में काम करते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर हम लिखेंगे मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज दी, इट इज दी फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन बाय, इट इज दी फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाय by proteins and lipids, this is the formation of cell membrane by cell membrane, it is the formation of the cell membrane by proteins and lipids produced in the endoplasmic reticulum, produced in the endoplasmic reticulum. It is the process of formation of cell membrane by the proteins and lipids produced in the endoplasmic reticulum. ठीक है, clear है point? मानवी clear? Next, next is next question है हमारे पास. What are the functions of Where are endo? हाँ बोलो सुमित बोलो। हाँ usually न्यूक्लियस के पास ही होता है, क्योंकि न्यूक्लियस से RNA आता है और RNA उसको प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। हाँ। Next question is what is the cell organelle in which hormones and enzymes are produced? What are the cell organelles in which hormones? ये क्वेश्चन क्यों बोला था मैंने? चेंज कर दो। कोई बात नहीं। हाँ तो ये लिख रहे हैं। What are काट दिया ना? मैंने पहले उन्हें लिखा था जो काट दिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लिखे व्हाट आर दी सेल ऑर्गेनेल्स इन व्हिच एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, एंजाइम्स एंड एंजाइम हार्मोन की स्पेलिंग बताओ, एंजाइम ई एन जेड वाई एम ई एस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो एंजाइम और हार्मोन होते क्या है? एंजाइम सिर्फ पता है, एंजाइम क्या है, हार्मोन क्या है? पहले एंजाइम और हार्मोन पहले जान लेते तभी तो आंसर दे पाएंगे। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स और गॉल्जी बॉडी में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, नाम बस, नाम का गॉल्जी कॉम्प्लेक्स और सेम होता है। हां, एंजाइम एंजाइम होते हैं, दीज आर द बायो कैटलिस्ट, enzymes are biocatalysts which speed up the body reaction. सर लिखना है? हाँ, लिख लो इसी को क्वेश्चन में लिख लो, which speed up the body's reactions, speed up the body's body reaction. These are biocatalysts which speed up the body's reactions.
हमारी बॉडी में क्या रिएक्शंस होती हैं? यस यस सर होती है, उसी की वजह से हम जिंदा हैं। हर एक सेल में भी रिएक्शंस होती हैं बहुत सारी, और इसी रिएक्शंस को फास्ट कराने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं। बॉडीज रिएक्शंस, बॉडीज केमिकल रिएक्शंस, बॉडीज केमिकल रिएक्शंस। तो हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शन को फास्टर कराने के लिए हमारे को चाहिए होते हैं एंजाइम। क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम। और कैटलिस्ट का मतलब यही होता है जो स्पीड को बढ़ाए रिएक्शन की। तो ये बायो कैटलिस्ट है विद स्पीड अप द बॉडीज रिएक्शन, विद स्पीड अप द बॉडीज रिएक्शन। हाँ वो भी आएगा, लाइसोसोम में पड़ेंगे। ठीक है अच्छा, they also help in breakdown of substances, they also help in breakdown of substances. It's a hormone, they also help in breakdown of substances. तोड़ने वाला एक एंजाइम है, एंजाइम है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। और ऐसे ही कौन एंजाइम है? रेनिन। क्या है? पेप्सिन और रेनिन। ये दोनों प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं इनटू सिंपल पार्टिकल्स। किसमें? सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। तो प्रोटीन इज कॉम्प्लेक्स और उसको सिंपल पार्ट्स में तोड़ देता है रेनिन और पेप्सिन। ठीक है, तो ये एक एंजाइम का है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो हमें बस ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ के सिंपल कौन करता है? एंजाइम। ठीक है, अब एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स खुद भी प्रोटीन होते हैं। तो लिखेंगे इसके आगे जो लिखना है तुम्हें वो लिखो, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन। प्रोटीन कहां प्रोड्यूस होते हैं? आरिया। दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन आरिया। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन आरिया, रफ एंडोप्लाज्म। लिख रहे कोई स्कूल के मार्क्स मिले किसी के? हाँ बोलो सुमित। ये एंजाइम है। अच्छा हमने बोला कि जो एंजाइम्स हैं वो एक्चुअली में प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन, प्रोटीन सो दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन आरिया। किसमें प्रोड्यूस होते हैं? आरिया। ठीक है, अब हम हार्मोन की बात करें। ठीक है, तो लिखिए हार्मोन्स, सेकेंड पॉइंट बनाएंगे इसी आंसर का। हार्मोन्स आर एंजाइम वाला, दे आर एंजाइम से शुरू हुआ था क्वेश्चन के सेकेंड। हार्मोन्स आर प्रोटीन, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर का मतलब सिग्नल्स लेके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल। जैसे फॉर एग्जांपल कभी होता है डॉगी पीछे भाग पड़ जाता है तो तुम्हें अचानक से फील आती है अरे अब तो बहुत एनर्जी आ जाती है अचानक से। हाँ, तो वो हार्ट पे काम करता है, लंग्स पे वाइज हार्ट तेज चलने लग जाता है, लंग्स तेज सांस ज्यादा तेज आने लग जाती है, मसल्स में पावर आ जाती है। ये सब डॉगी के पीछे पड़ने से नहीं हुआ। हाँ वैसे तो उसी से हुआ, पर वो जो डॉगी पीछे पड़ा था तो उसके बाद तुम्हारे ब्रेन ने एक मैसेंजर भेजा, वो था एड्रेनलिन। क्या था? एड्रेनलिन की
सारे जो मैसेज लिखे गए, अरे डॉगी पीछे पड़ गया, हार्ट को बोल गया अरे डॉगी पीछे पड़ गया, लंगोला अरे डॉगी पीछे पड़ गया, ठीक है मसल बोला अरे डॉगी पीछे पड़ गया, तो सबके मैसेज कौन लिखे गया? फिर सबको पता था क्या कर रहे हैं, अब डॉगी पीछे पड़ चुका है, तो सारा मैसेज कौन लिखे गया? एड्रेनलिन। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? दे आर केमिकल मैसेंजर। एक और मैसेंजर होते हैं, वो कौन होते हैं? नर्व्स। वो क्या होती है? नर्व्स भी मैसेज लेके जाते हैं, पर वो न्यूरल, वो उनका अपना नेटवर्क होता है, और केमिकल मैसेंजर्स अलग काम करते हैं और न्यूरॉन्स अलग काम करते हैं। नर्व का भी यही काम होता है, और पर वो केमिकल के थ्रू नहीं करते, केमिकल के थ्रू कौन करता है? हार्मोन भी वेरी क्विक होते हैं, क्योंकि वो जैसे ही ब्लड में घुलते हैं थोड़ा सा अमाउंट, तो वो विद इन सेकेंड्स काम करते हैं। नहीं तो फिर कुत्ता काट चुका होगा और फिर मैसेज पहुंचेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए वो विद इन सेकेंड्स काम करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? हार्मोन डकलेस होते हैं। हाँ नहीं, हार्मोन जो होते हैं वो डकलेस ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द ग्लैंड्स व्हिच हैव डक्ट्स, तो उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, पर वो भी थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा एनीवेज, तो हम ये कह रहे हैं कि एंजाइम्स हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, ये लिख लिया? दे आर ऑल्सो मोस्टली प्रोटीन्स, ज्यादातर टाइम ये भी प्रोटीन होते हैं, दे आर ऑल्सो मोस्टली प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन निष्ठा, कहां पे? यस निष्ठा, निष्ठा में ऑडिबल नहीं है, सुमित है में ऑडिबल, जैसे भी ऑडिबल, ठीक है, तो इसे रिमूव कर दें। निष्ठा में ऑडिबल, अच्छा व्हाट इज सो पेक्यूलियर, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज सो पेक्यूलियर अबाउट, व्हाट इज सो क्लियर? हां नेक्स्ट क्या कहता, दे आर प्रोड्यूस्ड इन आरिया, दैट फॉर केयर जो पेक्यूलियर, पेक्यूलियर माने अजीब, पेक्यूलियर माने कुछ ऐसा जो और में ना हो, कुछ अलग बात। What is so peculiar about SCR of the liver cells? SCR of the liver cells. मैं बोला था आगे आएगा, बता चलो। What is so peculiar about SCR of the liver cells? अब होता ही है कि अगर हम बहुत सारी दवाइयां खा लें, ठीक है, और हम बहुत सारा खराब चीजें केमिकल वगैरह भी खाने लग जाए, या कोई ऐसी अजीब सी चीज जो बॉडी नहीं खाती नॉर्मली, तो उसकी लिवर खराब होता है सबसे पहले, ठीक है, तो लिवर बड़ी जल्दी खराब होता है, क्योंकि लिवर का काम है बॉडी में
टू डिटॉक्सिफाई थिंग्स। तुम पॉइजन खाओगे तो पहले लिवर पे जाएगा, हर चीज जो भी तुम खाओगे पॉइजनस वो लिवर पे जाएगा और लिवर पे डैमेज करेगा, और लिवर डैमेज से इंसान बचेगा नहीं अगर लिवर ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो। लिवर अल्कोहल से भी, स्मोकिंग से भी, सब चीजों से जो हार्मफुल चीजें वो लिवर पे असर डालती है। फूड पॉइजनिंग पे लिवर डालती है। हां स्मोकिंग, स्मोकिंग भी डाली नहीं लिवर में, क्योंकि स्मोक से भी जो पार्टिकल्स आएंगे वो भी सारे लिवर में ही जाएंगे, जो ब्लड के अंदर जाएगा पहले वो लिवर में जाके असर डालेगा। तो ये सब चीजों से लिवर का काम ही यही है, एक काम ही है, वैसे और भी काम है, टू डिटॉक्सिफाई मेनी पॉइजंस एंड ड्रग्स। जो भी दवाइयां होती है ऐसे बोलते हैं ज्यादा दवाइयां नहीं खानी चाहिए क्योंकि तुम्हारा लिवर खराब हो जाएगा। तो ये चीजें पॉइजन और जो ड्रग्स हैं केमिकल्स जैसे ही हम वो पहले कहां जाते हैं लिवर में, तो लिवर उन्हें क्या कर देता है डिटॉक्सिफाई, क्योंकि तुमने जो दवाई खाई वो हमेशा तो इतना असर नहीं डालती ना, थोड़े टाइम बाद उसका असर खत्म हो जाता है फ्यू आवर्स के बाद, तो वो चीज क्यों खत्म हो जाती है, लिवर उन्हें डिटॉक्सिफाई कर देता है, नींद से उठे नहीं होगी तब तक। अच्छा तो उसे केमिकल्स उसके अंदर से जो हार्मफुल चीजें होते हैं उसको निकाल देता है। तो अब पॉइंट इज दिस, इसके अंदर लिवर सेल्स की हेल्प कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। हां तो पूछ रहे सर, मैं पूछ रहा था कि जो जो लिवर है वो सॉरी एंटीबायोटिक ज्यादा खाने से उनका असर भी बंद हो जाता है, वो भी लिवर पे असर होता है? नहीं वो अलग, वो टॉलरेंस, वो टॉलरेंस होती है वो अलग। ये सब पढ़ना है तो आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तुम बहुत, ये तो बहुत, ये तो ना नाइन्थ में पढ़ाते ना टेंथ में पढ़ाते, इलेवेंथ में भी नहीं पढ़ाते और ट्वेल्थ में भी नहीं, तो ये पढ़ाते हैं फार्मेसी में, ठीक है वो मैंने कर रखी है तो तुम मेरे पास आई हो। हाँ मुझे पढ़ा हुआ फार्माकोलॉजी, तो हम ड्रग्स के बारे में जानेंगे। हर एक ड्रग अलग अलग टाइप से काम करता है, कुछ एंटीबायोटिक जो केमिकल्स किल करते हैं चीजों को, और कुछ होते हैं जैसे एंटीसेप्टिक ऐसी चीजें जो प्रिवेंट करती है, तो हर एक ड्रग का अपना एक्शन होता है, तो वो सब चीजें अभी हमारे स्कोप से बाहर है। तो हमें बस ये आते हैं जो भी सारी दवाइयां हैं वो असर कहाँ डालती है, हम क्यों डालती है, लिवर में डालती है क्योंकि लिवर का काम होता है उनको डिटॉक्सिफाई क्या करना, ठीक है, और डिटॉक्सिफाई करने में उनकी केमिकल्स से पॉइजनस सब्सटेंस को हटाने में संयम उनको कौन सा सेल ऑर्गन ही काम करता है, एसीआर। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, एसीआर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लिवर सेल्स ऑफ एनिमल्स। सर लिवर को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन खाया तो लिवर भी उसको भी ठीक करेगा, लाइक लिवर के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती, जब किसी को जॉन्डिस होता है उसका लिवर खराब हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम अब दवाई दे सकते, क्योंकि जब डॉक्टर ही बीमार है हमारी बॉडी का तो उसको दवाई दे ही पाएंगे हम। पॉइंट इज दिस, लिवर जो है केमिकल्स को, मैं यहाँ से लिवर जो है केमिकल को हटाता है, अगर लिवर ही खराब है जैसे जॉन्डिस में तो हम उसमें मेडिसिन नहीं दे सकते क्योंकि उसको डिटॉक्सिफाई कौन करेगा, जब उसकी रिकवरी की बात ही नहीं बची तो लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पर उससे पहले अगर जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस खुद ही रिकवर होता है, उसमें कुछ भी नहीं खाना होता बाहर का, ना घी तेल ना कुछ, और क्योंकि दवाई भी नहीं ले सकते क्योंकि लिवर ही खराब है, तो बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाती है। इन द लिवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स एचसीआर प्लेज अ रोल इन डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स एंड पॉइजंस। तो सर जो हमारी विटामिन की गोलियां होती है विटामिन डी की, जो हार्मफुल चीजें होती है तुम पैरासिटामोल खाते हो तो तुम्हें बुखार होता है, तो उसमें तुम जिंदा तो नहीं रहते हो, तुम्हारा खाना तो नहीं है ना विटामिन की तरह तो नहीं है ना कि तुम्हारी बॉडी को चाहिए ही, वो तो तुम इसलिए खा रहे हो क्योंकि तुम्हें फीवर है, पर तुम ज्यादा खाओगे तो लिवर पे असर डालेगा। सर वो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं पैरासिटामोल, पैरासिटामोल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है जो कि हमारे पॉइजन सिर्फ फीवर को कम करते हैं पेन को कम करते हैं, और एंटीबायोटिक्स होती हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ठीक है। तो इंफेक्शन में होती है इन लिवर सेल्स, एसीआर प्लेज अ रोल, एसीआर प्लेज अ रोल इन डिटॉक्सिफाइंग, ये सब छोड़ दो बीच में, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है।
इन लिवर सेल्स इन लिवर सेल्स एसीआर प्लेज अ रोल इन डिटॉक्सिफाइंग, ये भी छोड़ दो क्रूशियल, क्या करूं इंग्लिश पढ़ के, ठीक है. इन लिवर सेल्स द एसीआर प्लेज अ रोल इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजंस एंड ड्रग्स, ठीक है, क्लियर है, ठीक है. अब हम डायग्राम देखते हैं, तुम कितने सुंदर डायग्राम बना सकते हो. रोल इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन एंड ड्रग्स, पॉइजन एंड ड्रग्स. एनिमल सेल का डायग्राम बनाते चलो. हो पाएगा? अच्छा ठीक है, आराम से